कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। विज्ञान विषय में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में कुछ परिस्थितियां हैं जिनका हम सामना करते हैं। जैसे हम देखते हैं दूध का फटना, भोजन का पचना, सांस लेना, लोहे पर जंग लगना या बल्ब का जलना। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके बारे में अगर हम थोड़ा गहनता से अध्ययन करें तो पाएंगे कि जैसे दूध का फटना है, अगर दूध फट जाता है तो वापस किसी भी स्थिति में हम उसे वापस दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो बातें ध्यान रखनी हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें जब तक कारण लगा रहता है तब तक वो परिवर्तन रहता है, कारण के हटाने के बाद वो परिवर्तन स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे बल्ब का जलना, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं बल्ब को तो बल्ब जलने लगता है, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं, बिजली बंद करते हैं, तो बल्ब भी बुझ जाता है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें दूध के फटने की या दूध से दही के जमने की, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन ही हमारे रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जब किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ हो, रंग में परिवर्तन हुआ हो, गैस का निकास या उत्सर्जन हुआ हो, या तापमान में परिवर्तन हुआ हो। ठीक है, डी पॉइंट जो मैंने लिखा इसका वो है रासायनिक समीकरण। किसी अभिक्रिया का शब्द समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड में हमें प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है? शब्दों की जगह अगर हम रासायनिक सूत्रों का प्रयोग कर दें तो ऊपर वाला जो समीकरण था वो Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO बन जाएगा, या Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 और प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण के वो संतुलित करना अगला टॉपिक हमारा। एक समीकरण है Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे O हमारे पास लेफ्ट या राइट साइड में जो अणु सबसे ज़्यादा हो उनको पहले बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु हैं तो हम यहाँ पे दो लिख देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे दो लिख दिया है, दो O बन गए तो दो Mg बन गए। हमारे पास लेफ्ट में Mg अकेला था तो यहाँ पे भी दो लिख दिया है, तो ये 2Mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2MgO एक संतुलित समीकरण हो गया। एक एग्जांपल मैंने नीचे लिखा है, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा अणु हैं वो ऑक्सीजन के हैं, चार हैं, तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो राइट हैंड साइड में चार अणु हैं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एक है, तो मैंने यहाँ पे चार रख दिया। इसकी जगह चार रख दिया तो हाइड्रोजन के चार दूनी हो गए आठ, इधर हाइड्रोजन के केवल दो थे तो यहाँ पे चार रख दिया, चार दूनी आठ, तो ये भी एक बैलेंस समीकरण हो गया।